देहरादून से खबर आ रही है। रंग लाई राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल। रामनगर के धनगढ़ी पर शुरू होगा पुल निर्माण का काम। 8 नवंबर से शुरू होगा निर्माण काम। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। बरसाती पनौत नाले पर पुल बनेगा। 13 करोड़ 24 लाख की धनराशि को मंजूरी भी दे दी है, जिसका निर्माण काम 8 नवम्बर से शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी सामने आई है। 13 करोड़ 24 लाख की धनराशि को मंजूरी मिल गई है। वही आपको बता दें कि गांधी चौक में कांग्रेस का प्रदर्शन। किसान बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। नारेबाजी की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कांग्रेस किसान अधिकारी दिवस मना रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आपको यह भी बता दें कि गांधी पार्क में प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया है। राजधानी देहरादून में कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किसान अधिकार दिवस मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों के खिलाफ कानून बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के दावे करने वाली सरकार के दावे खोखले ही साबित हुए हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यदि इस तरीके से कानून लाकर किसानों का शोषण करेगी, इसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतर आएगी, आंदोलन करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के तमाम जनपदों में जो है किसान अधिकार दिवस मनाने का काम किया जा रहा है, और इसी कड़ी में जो है यहाँ देहरादून में भी जो है और उत्तराखंड राज्य में भी प्रत्येक जनपद में किसान अधिकार दिवस मनाने का काम जो है कांग्रेस जनपद। केंद्र की सरकार ने जो किसान के विपरीत काला कानून लाने का काम किया है, उसकी वजह से पूरे देश का किसान जो है वो आंदोलनरत है।